हाय फ्रेंड्स, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके ही चैनल टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज हमारे पास है वीवो का S1 फोन। आज इसका अनबॉक्सिंग करूँगा, स्पेसिफिकेशन एंड फीचर के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। इससे ये होगा कि सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो वेरिएंट है वो स्काईलाइन ब्लू 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ है। और इसी के साथ बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे और एक बॉक्स का सेक्शन देखने को मिलता है। तो इसे मैं अभी निकालता हूँ और इसमें देखता हूँ क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ क्विक स्टार्ट गाइड है और यहाँ पे हमें एक मिल जाता है ट्रांसपेरेंट बैक कवर। तो अब आते हैं दोस्तों फ़ोन के तरफ। तो यहाँ पे देखिए, फ़ोन लिपटा हुआ है वेपर के अंदर और यहाँ पे देखिए गूगल असिस्टेंट भी दिया गया है। और पीछे दोस्तों आप इसका डिज़ाइन देख पा रहे हैं। तो अभी मैं वेपर को रिमूव करता हूँ और दिखाता हूँ फ़ोन का लुक। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास है स्काईलाइन वाला और एक कलर आता है दोस्तों इसमें जो है डायमंड ब्लैक, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लू एंड स्काई कॉम्बिनेशन में। तो फ़ोन को अभी के लिए करता हूं बूट और रखता हूं साइड में और बाकी कंटेंट दिखाता हूँ बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको इस कार्ड के पीछे एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों चार्जर की बात करें तो यहाँ पे 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा इसी बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ आपको एक डाटा केबल देखने को मिलेगा जो कि USB to Micro USB डाटा केबल दिया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे अच्छी बात, हेडफोन भी मिलता है जो कि आपका 3.5 mm हेडफोन जैक के साथ है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बॉक्स में हेडफोन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ़ोन की बात करें तो यहाँ पे ग्रिप वगैरह बहुत ही मस्त मिल जाता है। और पीछे दोस्तों इस बैक पैनल की बात करें तो ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी से बना हुआ है और ये स्काईलाइन ब्लू एंड स्काई कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और इसी के साथ फ़ोन के फ्रंट अपर साइड की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा नॉच देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। जस्ट उसी के ऊपर आपको एयर स्पीकर देखने को मिल जाता है और कुछ सेंसर देखने को मिल जाता है। और इसी फ़ोन की डिस्प्ले की बात करें तो 6.38 इंच का फुल HD प्लस एमुलेट 19.5:9 एक्सेप्ट रेशियो वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इसी फ़ोन के रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा LED फ्लैश के साथ। दोस्तों, यहाँ पे जो 3 कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का f1.78 एपर्चर के साथ है और दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और तीसरा है आपका 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। और कैमरा के जस्ट नीचे आपको एक LED फ्लैश देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा AI 3000 कैमरा। और डाउन में यहाँ देखिए वीवो का लोगो। तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको 4500 mAh बैटरी देखने को मिल जाएगा। और इसी फ़ोन के डाउन की बात करें तो यहाँ पे आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको माइक देखने को मिल जाएगा, USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा और स्पीकर ग्रिल भी इसी में देखने को मिल जाएगा। और फ़ोन के राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वॉल्यूम अप एंड डाउन स्विच देखने को मिल जाएगा, पावर स्विच देखने को मिल जाएगा। फ़ोन के जस्ट अपर साइड की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है। और फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। तो अभी सिम ट्रे को निकालता हूँ और दिखाता हूँ ये कौन सा सिम ट्रे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है जिसमें आप 2 नैनो सिम और 1 SD कार्ड आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसी सिम ट्रे के जस्ट नीचे आपको गूगल असिस्टेंट बटन भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं फ़ोन के कैमरा की तरफ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मोड देखने को मिल जाएगा अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पे मैं अभी एक पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ और कुछ पिक्चर आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वीवो S1 का कैमरा किस तरीके का वर्क कर रहा है। और दोस्तों, स्लो मोशन और फास्ट मोशन भी इस कैमरा में देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, ये फ़ोन चलता है वीवो के फ्रंट टच OS 9 पे और इसका एंड्रॉयड वर्जन आपको पाई देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio P65 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इसी फ़ोन में। तो फटाक से दोस्तों, यहाँ पे अभी सेट कर लेते हैं फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक और दिखाता हूँ परफॉर्मेंस किस तरीके का वर्क करता है इसका फेस लॉक एंड फिंगरप्रिंट। और फ्रेंड्स, फ़ोन की कीमत जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर मैं मेंशन कर दिया हूँ इस फ़ोन का क्या प्राइस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक सेट कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये फिंगरप्रिंट टच किया, ओपन हो गया। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, बहुत ही फास्ट वर्क कर रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे फिर एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये फिंगरप्रिंट दे रहा है, यहाँ पे टच किया, ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं फेस लॉक दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फेस में लाया, ये ओपन हो गया, फिर ये फेस पे लाया, ये ओपन हो गया। तो दोस्तों, फेस लॉक भी बहुत ही फास्ट है। तो दोस्तों, आपको अगर ये फ़ोन लेना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। और दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये फ़ोन कैसे लगा ये भी कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, आप अगर चैनल में न्यू है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिएगा, इससे ये होगा कि सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।